अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, कैसे हैं? आज इंशाल्लाह ताला छुट्टियों के बाद हम लोग मैथ्स का जो लास्ट हम लोगों ने वाइंड अप किया था 31 to 35 तक, और आज हम लोग करेंगे 36 to 40। काइंडली पेरेंट्स, आप लोग ये परेशान ना हों कि समर पैक भी बच्चों ने साथ करना है और साथ ही क्लास वर्क डायरी भी मेंशन कर रहे हैं। ये जस्ट इस वीक में या नेक्स्ट ये मंडे तक हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, कवर होगा। इसके बाद इंशाल्लाह आप समर पैक करवाएं और मैं डेली का जो है वो एक सब्जेक्ट का टेस्ट ले लिया करूँगी। बात करने का मकसद ये है कि आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ ईद की नहीं दी जाती, लेकिन आपकी इबादत का ख्याल रखते हुए आपकी सहूलत के लिए इस दफ़ा जो है छुट्टियों की ये ईद फितर की जो है वो काफ़ी छुट्टियां हुई हैं, तो अब आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला हम अपनी उसी रूटीन पे जो है वो वापस आते हैं जो हम लोग रमज़ान से पहले 3 नोटबुक्स का काम करते रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश का तो ज़ाहिर है डेली काम होना है, क्योंकि एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल हमने करना ही करना है, उसके साथ मैथ्स और उर्दू का। तो वो भी इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश करेंगे कि बच्चों की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। जहाँ पे लगा कि बच्चों की प्रैक्टिस कम हो रही है या किसी वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे, तो हो सकता है एक चीज़ को हम 2 दिन रिपीट कर लें, लेकिन आपको फिर ज़ाहिर है मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रमज़ान में आपके जो है वो काफ़ी सारा बर्डन कम किया हुआ था कि आपको सहूलत रहे, तब आपको भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमारी डेट है 2 जून 2020, क्लास वर्क, और डे है हमारे पास ट्यूसडे। टॉपिक आ जाता है हमारे पास काउंटिंग है 36 to 40, और काउंटिंग तो माशाल्लाह आपको पता है ये ईद से पहले की जो छुट्टियों से पहले जो टेस्ट हुआ है उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, तो सारी मेहनत आपकी है, आप बच्चों को करवा रहे हैं तो बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वैसे ही आपने यहाँ पे लिख लेना है 36, 37, 38, 39 and 40, ठीक है। ऐसे आप अब कोशिश करें कि आप बच्चे को जो है ना वो काउंटिंग में स्पेशली 1 डॉट पे लेके आएं, ठीक है। आपने 1 ब्लॉक स्किप करना है, और ऐसे काउंटिंग आप लोग काइंडली पेरेंट्स एक ब्लॉक में मस्त लिखवाया करें बच्चे को, यानी 36 एक ही ब्लॉक में नहीं, 3 एक ब्लॉक में, 6 नेक्स्ट ब्लॉक में, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट 2 ब्लॉक स्किप कर लें, और इसके बाद आप ऐसे डॉट लगा लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 ब्लॉक स्किप करेंगे, और इसके बाद फिर आ जाएगा आपका। इसी तरह आपने लास्ट बच्चे को डॉट लगा के दें। ज़ाहिर है बच्चे छुट्टियां एंजॉय करते रहे हैं, आप थोड़ा सा रूटीन पे आने का जो है टाइम लगेगा। कुछ पेरेंट्स तो काम करवाते रहे हैं और कुछ ज़ाहिर है फिर अपनी मसरूफियत के हिसाब से, तो ऐसे आपने डॉट्स लगाने हैं, और फिर आप बच्चे को बल्कि कोशिश करें कि आपने जब ये लिख देनी है 36 to 40, तो बच्चे खुद ही इसको देख के लिखना सीख लेंगे, क्योंकि इतना तो आइडिया बच्चों को है। और काइंडली पेरेंट्स इस बात का स्पेशल ख्याल रखना है कि बच्चे जो है ना वो इस लाइन को ब्लॉक में लिखते हुए इस लाइन के साथ मस्ट टच करें वर्ड, ठीक है। ये लफ्ज़ जो हैं वो नंबर जो हैं इनके साथ मस्ट टच करें। ऐसे आपने बच्चे को काउंटिंग करवानी है, और कोशिश करनी है कि बच्चा पहले काउंटिंग जो है वो पढ़ना सीखे, ठीक है। पहले बच्चे को इसको पढ़ना आए, आप बार बार 0 to 40 सुने, इसके बाद फिर आप जो है वो लिखना स्टार्ट करवाएं। होप सो कि आप इन बातों को समझेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग इस वीक में इसको वाइंड अप कर देंगे अपने सिलेबस को, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने अभी तक समर पैक नहीं लिया, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग समर पैक भी स्कूल से बाय करें, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें,
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।